नमस्कार, आज हमारे साथ हैं यश पटेल जी और उनका हम आयुर्वेद और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और पंचकर्म के क्या एक्सपीरियंस है वो हम जानेंगे। नमस्ते यश जी। नमस्कार जी। ठीक है, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से हूँ बेसिकली, लेकिन अभी मैं यहाँ वाशी में रहता हूँ। ओके, मुंबई में। लखनऊ से आप मुंबई में आप पोस्टेड हैं? पोस्टेड है, आपने जॉब करते हैं आप, है ना? ठीक है, सबसे पहले ये फीडबैक हम ले रहे हैं क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि आयुर्वेद को लेके भयंकर माहौल खराब किया जाता है कि किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, मौत आ जाएगी, जो कुछ, तो आपको क्या लगा आयुर्वेद करके? नहीं, बहुत अच्छा है। और मेरा थोड़ा वैसे ही मैं पढ़ता रहता हूँ आयुर्वेद के बारे में, तो खैर ये जो भ्रांतियाँ हैं ये गलत हैं, क्योंकि उसका प्रोसीजर ही होता है बॉडी क्लीनिंग का, तो ये सब इशू तो मुझे नहीं लगता आना चाहिए। चलिए, जब आप आए थे तब आपने कई प्रॉब्लम्स बोली थी, तो उस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि पहले कैसे था और अभी कैसे था। सबसे पहले आपने बोला था कि आपको डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता था, राइट? क्या होता था उसमें आपके साथ? खाने के बाद ब्लॉटिंग होती रहती थी, और ये है कि ओवर ईटिंग हो जाती थी, तो कभी कभी फ्लश होने जाना पड़ता था, ठीक है, और स्टूल्स प्रॉपर नहीं होते थे, पेन होता था कभी कभी, अच्छे से पेट क्लियर हो गया तो पेन होता था, तो ये सारे पेट साफ होते समय दर्द होता था। हाँ जी। किस जगह पे होता था दर्द? ये इस नाभि के आसपास, नाभि के, हाँ, ऊपर नीचे, नाभि के साइड में, इस तरफ, राइट हैंड साइड में। कोई ऐसी चीज थी जिसको खाने से आपकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती थी, आपने नोटिस किया था उस टाइम पे? एक्चुअली मैं बॉडी पे रैशेज आ जाते थे, तो मुझे लगता है कि जब भी मैं तीखा या कुछ ऐसा खाता था ज्यादा, तो वो हीट की वजह से ऐसा कुछ समथिंग होता था वो। और डाइजेशन में कौन सी चीज आपको तकलीफ करती थी? डाइजेशन कुछ में भी खा लिया तो तकलीफ होता था? हाँ, कुछ भी खा लो, मतलब कुछ भी मैं खाता था, तो ये अगर कुछ भी होता था ब्लोटिंग होने लगती थी। नॉर्मल दाल चावल खाए तो? हाँ, भी नॉर्मल दाल चावल ब्लोटिंग होती थी। ठीक, ओवर ईटिंग से तकलीफ आपको होती थी, और मोशंस आपने बोला था कि लूज होते थे आपको? जी, कई बार। हाँ, तो वो सारी चीज़ें खाने से होती थी या कभी कभार होता था? नहीं, कभी कभार होता था। आप किस चीज़ को खाने से होता था वो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये होता कि कभी कभार होता था, जैसे कि ओवर ईटिंग हो गई तो फिर मोशन अच्छे नहीं होते थे, फिर वो जैसे लगता था कि जो भी खाया वो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। फिर आपने बोला था दिन में आपको बहुत बार मोशंस के लिए जाना पड़ता था, तो कितनी बार अंदाजा जाना पड़ता था? एटलीस्ट दो से मिनिमम टू टाइम तो फिक्स ही होता है, और दो से तीन बार, तीन नॉर्मल ऑन एन एवरेज तीन मान के चलते। बट वो वाटरी होता था, बंद के नहीं आता था मोशन आपको? हाँ, बिल्कुल वाटरी नहीं, लेकिन वो बंद के नहीं आता था, बंद के नहीं आता था। ठीक, फिर आपने बोला था 6-7 साल से आपको इनडाइजेशन की तकलीफ थी जी, तो कुछ हुआ था 6-7 साल पहले, कुछ बीमारी हुई थी? नहीं, हाँ, वैसे कोई बीमारी नहीं, लेकिन धीरे धीरे मेरा डाइजेशन खराब होता ही चला गया। मेरी क्या कहते हैं, एक्चुअली मैं हमेशा घर के बाहर ही पोस्टेड रहा हूँ ना, तो वो ईटिंग हैबिट्स वैसी रहेंगी, कुछ भी खा लेना, ज़्यादातर बाहर का खाना, ज़्यादातर बाहर का खाना, और कभी भी खा लेना, ओवर ईटिंग कर लेना, ये सारे इशूज। और आपको बैक पेन होना जी, घुटने में दर्द, स्टिफनेस, हेयर फॉल, रैशेस, ऐसे हाँ, बहुत सारी आपने तकलीफ बोली जी, बिल्कुल। ठीक, तो उसके बाद जब हमने आपको चेक किया था तो आपको लीवर में भारीपन था और राइट किडनी की तरफ दर्द था, राइट? फिर कुछ दिन दवा के बाद हमने आपको विरेचन नाम का पंचकर्म किया, तो क्या था उसकी जर्नी, याद है क्या क्या किया था आपने? हाँ, वो उसमें सबसे टफ पार्ट तो वो आपका घृतपान होता है वो। तो कितने दिन घी पिया था आपने? 5 दिन। ठीक है, तो क्या कैसा एक्सपीरियंस था वो घी पीते समय? घी पीने का एक्चुअली में देखा जाए तो पूरे ट्रीटमेंट में सबसे टफ पार्ट वही होता है। तो क्या लगता था जब आप घी पीते थे? घी 3 दिन तक तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद तो ऐसा लग रहा कि बस ये पोर्शन जल्दी खत्म हो जाए, कब ये बंद होगा। घी पीने के कितने टाइम के बाद आपको भूख लगती थी? घी पीने के अगर मॉर्निंग में पिया तो शाम को ही कुछ खा पा पाता था, बीच में कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। 8 घंटा मिनिमम जाता था आपका, बिल्कुल, है ना? ठीक है, सो विरेचन आपका हमने कराया था जी, और विरेचन करने के बाद फिर उस दिन क्या हुआ था आपको? मोशन में जलन हुआ था? हाँ, स्टार्टिंग में जलन हुई थी काफ़ी, और चूंकि कुछ समथिंग 17-18 बार मोशन हुआ था, स्टार्टिंग में तो काफ़ी जलन हुई थी, लेकिन बाद में वो जलन कम होती गई और काफ़ी मतलब लाइट फील होता गया वो, तो मतलब जो इरिटेशन थी वो जैसे नहीं होता फ्लश होती गई, वो तो पेट बहुत अच्छा लगने लगा उसके बाद। तो विरेचन के बाद हमने फिर आपको 5-6 दिन बाद बस्ती भी शुरू की थी, 16 दिन आपने बस्ती की थी? 8 दिन की। 8 दिन की बस्ती की थी? ठीक, 8 दिन की बस्ती हमने की थी। सो अब
पहले और अभी के कंपैरिजन में हम अगर मैं आपको सिम्टम्स पूछूं तो वो आपके कैसे हैं? सबसे पहले आपका वेट कितना था जब आप आए थे? जब मैं आया था तब वेट था सम 71। 71 तो वेट कम करना आपका गोल था उस टाइम पे? बिल्कुल, वो हैवीनेस रहती ना बॉडी में, वो एक्टिवनेस ही नहीं होती, मतलब आना चूंकि लंबी ट्रैवलिंग है तो कभी टाइडीनेस हो जाती है, तो वो बॉडी एक्टिव फील नहीं होती थी, उन सब चीज़ों से काफ़ी आराम है। तो 71 था, आज कितना वेट है आपका? आज ऑन एन एवरेज 62.5। सो नियर अबाउट अपना 9 किलो के आसपास, 8.5-9 किलो वजन कम हुआ है जी। अभी कम हुआ था लेकिन अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 2-2.5 किलो, लेकिन वो अभी स्टेबल है। स्टेबल है, सो अभी बॉडी लाइट फील होती है, एनर्जेटिक लगता है? काफ़ी लाइट फील होती है। डाइजेशन कैसा है आपका? अभी डाइजेशन अच्छा है, अभी वैसा ब्लॉटिंग का ऐसा कुछ इशू नहीं आता है अभी। वाटरी मोशन जो होता था वो भी सब कंट्रोल में है। कंट्रोल में, इनडाइजेशन जो फील होता था, ब्लोटेड फील होता नहीं, था अभी ब्लोटेड वैसा कुछ फील नहीं होता है। उन चीज़ों में हम 100 में से कितना परसेंट रिलीफ मान सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि अगर डाइजेशन के हिसाब से देखें तो कुछ समथिंग 70-75% मुझे आराम है। सो हमने ट्रीटमेंट फरवरी में शुरू किया था और आज 13 मई है जी। सो लगभग 90 दिनों में 70-75% अपने को रिलीफ है। बिल्कुल राइट। पेन कैसा है जो बैक में, नी में? जो बैक में बस्ती के बाद मेरा पेन चला गया था, हालांकि उसके बाद मैंने वो आपने बोला था कि मसाज करने को, वो मेरी कंटिन्यू नहीं रही, तो कभी कभी फील होता है लेकिन वैसा पहला जो कंटिन्यू पेन बना रहता था वैसा नहीं है। जैसे अभी मैं अभी सीट हूँ, अभी बैठा हूँ तो मुझे कोई पेन नहीं है। सो पहले के मुकाबले इम्प्रूवमेंट बहुत है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ठीक। और हेयर फॉल की तकलीफ आपने बोली थी, वो कैसी है? हेयर फॉल काफ़ी कम है लेकिन यह है कि अगर मैं ऑयलिंग छोड़ दूँ तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, वरना ऑयलिंग से आराम। रैशेज जो होते थे खास करके आपने समर और रेनी सीजन में बोले जी, वो कैसे हैं? वो आपने जो डाइट बोली उससे थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया, तो उसकी तो वजह से आते हैं, अदरवाइज वो कंट्रोल, अदरवाइज वो कंट्रोल होते हैं। ठीक। सो ओवरऑल आपका ये 3 महीने का आयुर्वेद का क्या एक्सपीरियंस रहा, या आयुर्वेद को लेके आपके खुद के क्या कुछ विचार है? नहीं, बहुत अच्छा है एक्चुअली। में जो प्रोसेस है आयुर्वेद में, जो बॉडी क्लीनिंग का, पंचकर्म का, जो बॉडी क्लीनिंग का, फिर उसके बाद उसमें जो भी दोष है उनको सम करना, ये एक्चुअली में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि आप अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखा, डाइट फॉलो की, और तो आप इसे अपनी चीज़ों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। आपको ऐसा फील होता है? और कुछ आयुर्वेद को लेके आपको पहले फियर था? नहीं, मुझे कोई फियर नहीं था, मेरे पास ऑलरेडी अष्टांग हृदय रखी हुई। ओके, आप पसंद करते हैं पढ़ना? बिल्कुल, मैंने पढ़ी, वो तो मैंने हो गए 3-4 साल पहले पढ़ी थी, अभी तो थोड़ा थोड़ा फिर से पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तो आयुर्वेद में इंटरेस्ट है? बिल्कुल। चले, तो ये है यश जी और इनका ये था आयुर्वेद को फीडबैक के बारे में। ये फीडबैक हम शेयर इसलिए करते जाते हैं क्योंकि आयुर्वेद के बारे में कई बार बहुत सारी कुछ भी उत्पटांग चीज़ें बोली जाती हैं कि किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, आयुर्वेद की दवा में तो स्टीरॉयड मिला देते हैं, या वमन वमन ये सब अननेचुरल है। तो फीडबैक शेयर करने का ये है कि जिन लोगों को आयुर्वेद का नाम सुनते ही डर लगता है या अपनी बीमारी वो ठीक करना चाहते हैं, तो आपके यहाँ पे जो भी आपके नज़दीक में अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा आप उससे कंसल्ट कीजिए और आयुर्वेद से आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। चलेगा। थैंक यू यश जी। थैंक यू सर।